कमाई तो बहुत है। अच्छा, भाड़ा पड़ता है आपको? नहीं, उसका भाड़ा पड़ जाता है वहाँ से। क्या पसंद नहीं आया आयशर में आपको? उधर का भाड़ा अलग, ऐसा क्यों? पहली बात हो जाती कि खड़ा रहेगा ट्रक? नहीं, पहले बात तो नहीं। आप सूखे माल से कच्चे माल की तरफ क्यों चले आए? क्या मतलब 1:20, 1:30 तक? हाँ, 1:20, 1:30 14 टायर अपना अशोक लीलैंड का। अशोक लीलैंड का खड़ी रहती है? हाँ। घर पे खड़ी रहती है गाड़ी? हाँ। गाड़ी छत्तीसगढ़ नंबर पे भाई एमपी के है, तो यहाँ पे वजह ये नहीं है। वही ट्रक खड़ा रहता है, उसी में लोग बेचते हैं उसको। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। ये देखिए एक और खूबसूरत आप लोगों के सामने, मतलब ज्यादातर इस कलर में आता है, बाकी व्हाइट तो आता ही है। व्हाइट के ऊपर येलो जो है और ज्यादा जचता है, लेकिन इसके ऊपर भी येलो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बता दूं आपको, ये है अशोक लीलैंड का 1615 HE। अशरफ भाई हमारे साथ है। अशरफ भाई मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशरफ भाई, क्या BS4 ट्रक है ना ये? BS6 ही है। कितना टाइम हो गया आपके पास इसको? 2 साल। 2 साल से आपके पास है। पहले मैं ट्रक दिखा दूँ, अच्छा खूबसूरत बना के रखा है भाई ने। ये देखिए आप, कुछ इस तरह की प्रोफाइल है, 6 टायर ट्रक होता है। इसमें 3839 सीसी का इंजन आता है, 150 HP, 150 HP की पावर आती है, 450 Nm, 450 Nm का टॉर्क आता है। 4 सिलेंडर इंजन होता है उस टाइम से ही, मतलब इसमें पार्किंग ब्रेक्स, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, ABS और ये सब पार्किंग वगैरह आ जाते हैं, एयरबैग्स वगैरह सब मिल जाते हैं इसमें, वो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। बता दूँ 16,500 kg, मतलब 16,100 kg पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट है। 10,800 kg पासिंग आता है। 10.5 टन पासिंग है ना ये? क्या भी बढ़ा दिया है? 12 टन। अब 12 टन RTO से बढ़ गया है। पहले तो 10.5 ही आता था ये, पहले 10.5 आता था, अभी बढ़ा दिया गया है। इस टाइप की पूरी प्रोफाइल भाई ने कलाकारी वगैरह करा के रखी है। ज़्यादा कुछ है नहीं, अंदर चलता हूँ, अंदर से बताता हूँ आपको। उसका थोड़ा टाइम बाद बनाएंगे, वो हमारे इधर के ही, उन्होंने अभी नया खरीदा है वाला, 1915 उसका मैं बना चुका हूँ, लेकिन उनका एक्सपीरियंस जानेंगे अपन बाद में कैसा क्या एक्सपीरियंस है। अशरफ भाई अंदर आ जाएँ, इजाज़त? यहाँ चढ़ जाते हैं अशरफ भाई के ट्रक में। ये भाई ने पूरा, आपने पूरा बनवा दिया इसको, वो सीट हटवा दी, दो लोग आराम से सो सकते हैं इसमें। स्लीपर केबिन भी आता होगा अशरफ भाई? आता है ना स्लीपर केबिन। आपने स्लीपर नहीं लिया? वो बस पसंद है अपनी अपनी। अच्छा, मतलब ऐसी कोई खास वजह तो नहीं है स्लीपर केबिन नहीं लेने की? नहीं नहीं, कुछ भी वजह है, कुछ भी वजह। स्लीपर केबिन, और इसमें लोग ऐसा बोलते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा हिलता है स्लीपर केबिन, ये नहीं हिलता ऐसा है क्या? ये नहीं हिलता है? नहीं हिलता। ये आपने 2 साल पहले नया खरीदा था अशरफ भाई, कितने का लिया था आपने? ये अपने को पड़ा था 21 लाख का, नगद से। नगद से 21 लाख? फाइनेंस कराया होगा ना आपने? फाइनेंस कराया ना अपने। कितना डाउन पेमेंट करा था आपने? अपन ने डाउन पेमेंट करा इसमें 1 लाख रुपए। और कितनी किस्त बनती है अशरफ भाई इसकी? इसकी 45,000 रुपए महीने की बनती है। 2 साल में कभी ऐसा हुआ घर से किस्त देना पड़ी? नहीं नहीं है? नहीं। तो ये एकदम से ट्रक उठाने का कैसे सोचा? पहले भी ट्रक चलाते थे आप? पहले भी ट्रक था पुराना। कौन सा? अपना आयशर भी था। अच्छा, 14 टायर भी थी अशोक लीलैंड की। क्या बात कर रहे हैं, वो दोनों कहाँ है? दोनों बेच दिए, फिर यही लिए। क्यों बेच दिए दोनों? अच्छा, पुराने हो गए थे। हाँ। जब आपने आयशर चला लिया, और एक 14 टायर कौन सा था? 14 टायर अपना अशोक लीलैंड का। अशोक लीलैंड का? हाँ। था। तो जब आयशर चला लिया आपने, तो अशोक लीलैंड की तरफ क्यों गई? मतलब आयशर क्यों नहीं लिया आपने? आयशर अपने को पसंद नहीं आई, बस अशोक लीलैंड पसंद। क्या पसंद नहीं आया आयशर में आपको? अच्छा भाई, सर का लुक को अच्छा नहीं, इसका लुक। अच्छा, एवरेज कितना दे रहा है आपका ट्रक? एवरेज देता अपना 6-6.5 का। मतलब लोड पे दे देता है? 5 का लोड पे 5 का माइलेज दे देता है। हाँ। और खाली चला तो 6 का निकाल देता है। 6.5। कंपनी में सर्विस करा रहे हैं बाहर करा रहे हैं? अभी कंपनी में करवाते हैं। अभी 2-3 बार तो करवा चुके होंगे सर्विस? हाँ, 2 सर्विस। कितना चला दिया आपने इसको? 1 लाख चला दिया। 1 लाख चला दिया। तो 2 सर्विसिंग में क्या, पहली सर्विस में क्या खर्चा बैठा था आपका? अपनी पहली सर्विसिंग में यही 15,000 रुपए का आया था खर्चा। और दूसरी में? दूसरी में भी ये आया था 15,000। 2 साल में कितनी बार टायर? जी बताइए ना। उसमें जो पहली सर्विसिंग में थोड़ा कम आया था। हाँ। और इसमें दूसरी सर्विसिंग में अपना व्हील ग्रेसिंग नहीं होते हो, तो उसमें थोड़ा सा मतलब 3-4 हज़ार और ज्यादा आ गया आपका। तो 2 साल में टायर कितनी बार बदल दिए आपने अशरफ भाई? टायर अपन ने सारे मतलब 1 जोड़ी बदले अभी। 2 साल में 1 जोड़ी बदले सब टायर? मतलब 6 टायर नए आ चुके हैं 2 साल में। कितना खर्चा बैठा होगा उसमें? अपना 1 जोड़ पड़ता है अपने को 42,000 का। 42,000 का मतलब 80,000 के वो पीछे के दो आ गए होंगे, और ये 40,000 का मतलब 1:20, 1:30 तक। हाँ, 1:20, 1:30 टायर पड़ गया। तो 2 साल अच्छे चल गए, एक ही साल चलते ना टायर तो? हाँ, 1 साल चलते ना। आपने बोला ना बदल चुके हो आप। हाँ, बदल। अभी फिर टाइम आ गया होगा मतलब। हाँ, बदलने। हाँ। अभी 2 टायर तो नए लगे हुए है। शुरू से मोटर मालिक रहे हैं आप, ड्राइवरी भी करी है? ड्राइवरी करी है पहला तो। पहले ड्राइवरी करी, उसका सेकंड हैंड ट्रक उठाए थे। तो वो जो सेकंड हैंड ट्रक उठाए थे वो किस चीज पे चलाते थे अशरफ भाई? वो भी अपन इस पे सूखे माल पे चलाते हो। कच्चे माल पे? सूखे माल पे। अच्छा, सूखे पे, कच्चे माल के लिए ही लिए ये। हाँ। जो आयशर और आपके पास जो अशोक लीलैंड 14 टायर था वो सूखे माल पे चला था। तो फिर आप सूखे माल से कच्चे माल की तरफ क्यों चले? क्या उसमें फायदा नहीं था सूखे माल में? फायदा आया तो था, बाकी जो अच्छा लगता है बस। अच्छा, कच्चे माल पे? कच्चे हाँ। माल पे इसको कहाँ से कहाँ चलाते हैं अशोक भाई? इसको चलाते हैं पूरा अपने एमपी से महाराष्ट्र। एमपी से महाराष्ट्र ट्रांसपोर्टर से चलाते हैं या खुद की बुकिंग रहती है? कौन से ट्रांसपोर्टर है?
अपने दो तीन ट्रांसपोर्ट है। अच्छा, एक तो रोशन है। हाँ? अपने एक जो शकील भाई का है, यहीं पे है, लोकल एमपी के ही है। हाँ, ट्रांसपोर्टर आप भी रहने वाले एमपी के शाजापुर के, जैसे आपने बताया शाजापुर डिस्ट्रिक्ट, ये ट्रांसपोर्टर भी वही आसपास के। हाँ, आसपास के। तो यही ट्रांसपोर्टर यहाँ से भी माल दिलवाते हैं, वहाँ से वापस आते हो तो भी वो भी नहीं, वो वहाँ से दूसरे है, वहाँ से वही के है क्या? हाँ, वही के। तो अभी जैसे कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी अपन यहाँ से आते हैं पचोड़ से। नहीं, अभी माल लेके कहाँ से आ रहे हैं? गेवराई पाचोड़। ये कहाँ पे है? ये अपने औरंगाबाद पे। औरंगाबाद से भी आ रहे हैं आप? हाँ। क्या लेके आ रहे हैं? पपीता। पपीता औरंगाबाद से कितना किलोमीटर पड़ा आपको? ये अपने को पड़ता है 500-550 किलोमीटर। क्या एक भाड़ा पड़ा होगा 550 किलोमीटर का? वो तो वजन से लगता है ना, मतलब कितना फिर भी टन के हिसाब से? एक क्विंटल पे 320-330 ऐसा कुछ भी, मतलब 320 मतलब 3200 रूपए क्विंटल टन भाड़ा लग गया आपको। अब यहाँ से क्या लेके जाएंगे? हम यहाँ से लहसुन लेके जाते हैं। कहाँ के लिए लेके जाएंगे? हैदराबाद मंडी। कितना पड़ेगा यहाँ से हैदराबाद? 1100 किलोमीटर। क्या उसका टन का भाड़ा पड़ेगा आपको? अपने को वो भी यही पड़ जाता है 340। तो ये आप वहाँ जो वहाँ से यहाँ आए औरंगाबाद से यहाँ, यहाँ से हैदराबाद जाओगे, ये पूरी कितने दिन की ट्रिप पड़ जाएगी आपको? ये अपने को 7-8 दिन का फिर पड़ता है। 8 दिन में कर देते हो? हाँ, 8 दिन। जब 8 दिन में घूम फिर के आप वापस आते हो तो फिर से ये ट्रिप लगा देते हो? हाँ। तो महीने भर में इस हिसाब से 3 या 4 ट्रिप लगती है? 3 या 4 ट्रिप लगती है। तो मेरे ख्याल से आपकी जो किस्त तो एक ही ट्रिप में निकाल लेते होंगे आप? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप खुद ही चलाते ना सिंगल? हाँ, दो है हम। अच्छा, दोनों भाई हैं। तो कच्चे माल पे मतलब ज्यादा फायदा है? हाँ, ज्यादा फायदा। और आपके हिसाब से अगर कोई नया ट्रक लेना चाहता तो टाटा आइशर लीलैंड कौन सा लेना चाहिए? अपने को तो लीलैंड का शौक है, बस लीलैंड लीलैंड का फायदा। अच्छा, आइशर आप चलाते तो लीलैंड चलाते हो तो पावर में कमी तो नहीं लगती लीलैंड? नहीं नहीं लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं, बेहतरीन चलता है। और आपने बड़ा ये खूबसूरत तामझाम अंदर करवा के रखा है ट्रक में? हाँ, देख लो, बढ़िया बना के रखा। एसी इसमें आता नहीं है? एसी नहीं, पंखे आते हैं। पंखे आते हैं, BS6 वाला ट्रक है ये। इस टाइप का भाई ने पंखे वंखे सब चीजें लगवा के रखी। वैसे आपको प्रॉपर इस लाइन में टाइम कितना हुआ है ट्रक लाइन में? ट्रक लाइन में तो अपन तो अभी कम हुए अपने को तो, बाकी भाई ज्यादा दिन से चल रहा है, 2007-2008 से चल रहा है। 2007-2008 से आपके भाई चल रहे? हाँ। तो आपके भाई को 12-13 साल हो गए। हाँ, और आपको 4-5 साल हुए? हाँ, 4-5-7 साल 8 साल हो। तो आपने सोचा कि भाई कमा रहा है तो अपन भी इस लाइन में आ जाओ? हाँ। यही सोच के आए इस लाइन में? तो क्या लगता है आपको अशरफ भाई, इस लाइन में है कमाई वमाई या नहीं है? कमाई तो बहुत है। अच्छा, तो कच्चे जी हो जाता है अपना काम? हो जाता है काम। अभी तक कोई दिक्कत परेशानी आई इस ट्रक में आपको? कोई दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं है, लीलैंड का ट्रक आपको पसंद है? एक महीने आप चलाते होंगे, एक महीने भाई चलाते होंगे, ऐसे करते हैं? वो तो कभी उनको काम हो जाए तो घर रुक जाए, मैं ले जाऊं। अच्छा, काम हो जाए तो मैं रुक जाऊं, वही चले जाए। अच्छा, जैसे अभी आपने ये तो हमें ये जो लहसुन और इसका माल बता दिया। हाँ। इसके अलावा क्या ले जाते हैं आप? इसके अलावा अपना संतरा है। संतरा कहाँ से चलाते हैं? संतरा अपने वो शकील भाई भराते हैं हिमाचलपुर से। हिमाचलपुर ये अपने जीरापुर। अच्छा, जीरापुर। तो यहाँ से क्या लेके जाते हैं आप जाते हैं जीरापुर? खाली जाते हैं यहाँ से। क्या बात कर रहे हो, जीरापुर कितना किलोमीटर पड़ता है? 150 पड़ता है अपने गांव से। तो 150 किलोमीटर खाली जाते खाली हो जाते। वहाँ से भरते हो संतरा, कहाँ के लिए? वो भी हैदराबाद। वहाँ तो वहाँ से हैदराबाद कितना पड़ा? वहाँ से 150 किलोमीटर और पड़ जाता है, मतलब 1250-1300 किलोमीटर पड़ जाता। उसका भी सेम भाड़ा पड़ता है आपको? नहीं, उसका भाड़ा बढ़ जाता है वहाँ से। कितना पड़ता है? अपने 5-10 हजार रूपए बढ़ा देते है, 62-65 हजार रूपए कर देते है। अच्छा, 5-10 हजार ऊपर बढ़ जाता है, 62-65 हजार हो जाता है। उधर का भाड़ा अलग, ऐसा क्यों? वो अपने को जाना आने का, वो तो वहाँ से सब। अच्छा, मतलब जो आप खाली जाते हो तो उस हिसाब से आपका किलोमीटर से सही हो जाता। कितना कमीशन देते हैं आप उसको ट्रांसपोर्टर को? अपन देते हैं 1500 रूपए। अच्छा, जैसे एक बात तो ये बताइए अगर भाई, मैंने देखा मंडी में जब गाड़ी खड़ी रहती है, जैसे आप कहीं से भी माल लेके आए हो तो आपका काम तो माल लेके आना, माल खाली कर दो। लेकिन मैं यहाँ तो देखता हूँ वही ट्रक खड़ा रहता है, उसी में लोग बेचते हैं उसको। अब ये तो मंडी वाले को जानकारी है। तो आप ऐसी बात नहीं करते? जैसे अब मान लो ऐसे तो 2 दिन उनका माल। हाँ, तो 2 दिन में भी खाली करते हैं तो। अच्छा, 2 के 3 दिन में भी कर देते हैं। तो ये वाली बात नहीं होती कि वो तो अपनी दुकान पे रख के खाली नहीं कर सकते क्या? वो तो उनकी मजबूरी है कुछ है? मतलब है, मैंने देखा ट्रक खड़े रहते हैं उसी में से बेचते हैं, खड़ा करते हैं तो उसमें से बेचते हैं। तो ये पहली बात हो जाती है कि खड़ा रहेगा ट्रक? नहीं, पहले बात तो नहीं, एक ही दिन या फिर 2 दिन की बात होती है बस। हाँ, मतलब 2 से ज्यादा दिन नहीं खड़ा कर सकते। उसके बाद वो खोटी देते हैं। खोटी देते मतलब? मतलब 2000 रूपए 3000 रूपए जो भी अपन एक दिन का। हाँ, था, मतलब 2 दिन के बाद अगर ज्यादा दिन। हाँ, खड़ी रही तो खोटी। अच्छा, इनाम वगैरह भी मिलता है? इनाम उसमें संतरा में, अपने गोभी में, इनमें मिलता है। तो आप तो मोटर मालिक हो तो आपको भी इनाम देते हैं क्या? तो इनाम तो वो तो ड्राइवर को इनाम मिलता है। तो इनाम कौन देता है, मतलब माल वाला? माल वाले, जिसका माल रहता है। जैसे मान लो पपीता है, ये आपने एकदम टाइम पे पहुंचा दिया तो पपीता वाला आपको? हाँ, देता है। बाकी पपीता में इनाम नहीं लगता। नहीं लगता? हाँ। कौन से फ्रूट में लगता है इनाम? ये अपने गोभी में, ये कच्चे माल, अपने जो सब्जी जो भी है, मिर्ची गोभी। हाँ। में इनाम लगता है।
कम से 5,000 तो मिलता होगा इनाम। 3,000 3,000 रुपए गोभी पे, 3,000 रुपए एप्पल पे, 10,000 रुपए मतलब जो यहाँ भोपाल मंडी में लाए उसका भी इनाम और वहाँ जो ले जाओगे दूसरी जगह उसका भी इनाम। तो एक ट्रिप पे 6,000 तो इनाम का मान लो अपन। नहीं नहीं वो तो आपने जैसे औरंगाबाद से इधर अपना माच आता है कानपुर गोभी, तो उसपे 3,000 रुपए इनाम मिलता है। अच्छा वहाँ से फिर कुछ भी सूखा माल या कुछ भी लाते हो तो उधर से कोई। तो इसको आप कच्चे पे चलाते हैं कि सूखे पे भी चलाते हैं? कच्चे पे भी चलाते हैं, बाकी सूखा मिल जाए तो सूखा भर ले। जैसे जिस टाइम कच्चा नहीं मिला तो सूखा मिला। सूखा आप जैसे 2 साल से इसको चला रहे हो, सबसे ज्यादा परेशानी कौन से सीजन में होती है इसको चलाने में? बारिश में आती है थोड़ी बहुत। तो बारिश में किस्त निकल जाती है? नहीं निकलती है, निकल तो जाती है बाकी खड़ी रहती जाती है उसमें। खड़ी रहती है? घर पे खड़ी रहती है गाड़ी? हाँ घर पे खड़ी, वो तो इधर या उधर किधर भी चली जाए तो बारिश की वजह से माल नहीं मिल पाता। अच्छा तो बारिश में वैसे क्या चलाते हो ज्यादातर आप? बारिश में यही गोभी। गोभी पे ही चलती है? गोभी कहाँ से लाते हैं? ये अपने यहाँ से लाते हैं, अपना जालना। जालना? हाँ जालना कहाँ है ये? ये औरंगाबाद के पास में ही जालना। अच्छा वहीं से गोभी लेके आते हैं, यहाँ से कुछ लेके जाते हैं वहाँ पे? इधर से अपन लहसुन ले जाते हैं हैदराबाद। लहसुन बारिश में भी चलती है? हाँ बारिश में। अच्छा ये लहसुन का उपजाऊ इलाका है थोड़ा सा, मतलब लहसुन बहुत अच्छी होती है, है ना? जैसे अपने जो राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट शाजापुर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है उधर भी लहसुन बहुत ज्यादा होती है। तो वो तो बिना ट्रांसपोर्टर के भी आप भर सकते हो ना, गांव में पहचान होगी तो? नहीं वो पहचान तो होती है बाकी उसमें। अच्छा गारंटी वारंटी वाला मामला हो जाता है। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत ये था हमारा पूरा कंप्लीट वीडियो। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख रहे हैं गाड़ी 36 नंबर पे भाई एमटी के हैं, तो यहाँ पे वजह ये नहीं है टैक्स, सॉरी टैक्स तो वही 1,00,000 से 1.5 लाख रुपये महीने यानी साल का टैक्स लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ये आती है कि भाई ने बताया, आप बोलते हैं आप खुद बोलेंगे कि यार ये तो 10.5 टन पासिंग आती है, लेकिन छत्तीसगढ़ से अगर आप लेते हैं इसे, छत्तीसगढ़ पासिंग कराते हैं तो वहाँ 2 टन पासिंग बढ़ा के दी जाती है। तो ये गाड़ी आपको 12.5 टन की गाड़ी मिल सकती है वहाँ छत्तीसगढ़ से अगर आप लेते हैं तो। इसलिए भाई ने वहाँ से ली, और कहीं पे इसको पास नहीं करते हैं, वहाँ पे 12 टन पास कर देते हैं। तो जो अभी जो पीछे खड़ी हुई जैसा देखेंगे 19-15 खड़ी हुई है, तो वो इतनी पासिंग आती है, ये भी उतनी पासिंग आती है, और इसका रेट भी कम है। बाकी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं आपको लेना नहीं लेना। बाकी ये था हमारा छोटा मोटा वीडियो, होप करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।